विनाशक गणपति जी की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। क्यों सब देवों में सबसे पहले पूजे जाते हैं, क्यों पूजे जाते हैं। हम लंबोदर की महिमा को हाँ तुम्हें सुनाते हैं, पावन महिमा गाते हैं। क्यों सब देवों में सबसे पहले पूजे जाते हैं, क्यों पूजे जाते हैं। हे गणपति दयानिधान, करो सबका तुम कल्याण। हे गणपति दयानिधान, करो सबका तुम कल्याण। एक दिन माँ पार्वती के मन पुत्र का ख्याल आया, उपटन से माँ ने एक सुंदर मूरत बनाया। प्राण प्रतिष्ठा कर देवी ने प्राण था उसमें लाया, माँ शब्द सुन देवी ने उसको गले से लगाया। सुंदर प्यारे पुत्र पे गौरा माँ को प्यार आया, दंड थमा कर माँ ने उनको द्वारपाल बनाया। द्वारपाल बनते ही गणेश ने शिव को टोक दिया, शिव ने करके प्रहार उनके सिर को काट दिया। कटते ही शीश गणेश का फिर शिव पछताते हैं, हाँ शिव पछताते हैं। हम विघ्न विनाशक गणपति जी की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हे गणपति दयानिधान, करो सबका तुम कल्याण। हे गणपति दयानिधान, करो सबका तुम कल्याण। देखते ही गौरा मैया ने रुदन किया भारी, तीनों लोक में मचने लगी थी एकदम हाहाकारी। बोली ये क्या किया तुमने हे स्वामी भोलेनाथ, द्वारपाल बन के खड़ा था मान के मेरी बात। कहने लगी लाल के मेरे प्राण होंगे लौटाने, करने लगी विलाप मगौरा बात किसी की न माने। कहने लगे थे भोलेनाथ खंडित शीश हुआ, सिर लगेगा पीठ के बल जो होगा सोया हुआ। अपने शिवगण को शिव जी यही बात बताते हैं, हाँ बात बताते हैं। हम विघ्न विनाशक गणपति जी की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हे गणपति दयानिधान, करो सबका तुम कल्याण। हे गणपति दयानिधान, करो सबका तुम कल्याण। शिवगण को फिर गौरा माँ ने सिर लेने भिजवाया, पड़ गए भोले दुविधा में बोले कैसा वक्त है आया। खोज खोज के हार गए हर दिशा में शिवगण साथी, कभी सभी शिवगण की नजर में आ गया एक हाथी। हाथी के उस बच्चे का सिर काट के ले आए भोलेनाथ ने, वही गर्दन गणपति को है लगाए। लगते ही गर्दन गज की वो जीवित हो जाते हैं, सबसे पहले मात पिता को शीश झुकाते हैं।
इसीलिए वो गजानंद भी ये कहलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम विघ्न विनाशक गणपति जी की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हे गणपति दयानिधान, करो सबका तुम कल्याण। हे गणपति दयानिधान, करो सबका तुम कार्तिक और गणेश में यूं ही चल गई बात। हम दोनों के मात पिता गौरा और भोलेनाथ। कार्तिक बोले मैं हूँ बड़ा और तुम छोटे हमसे, फिर भी माने क्यों जाते हो उत्तम तुम सबसे। इसी बात को लेके ब्रह्मा जी के पास वो आए, किंतु ब्रह्मा जी ना उत्तर उनको दे पाए। विष्णु जी शायद कर सकते थे इसका समाधान, विष्णु जी बोले इसका उत्तर जानते शिव भगवान। जाके दोनों मात पिता के शरण में आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम विघ्न विनाशक गणपति जी की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हे गणपति दयानिधान, करो सबका तुम कल्याण। हे गणपति दयानिधान, करो सबका तुम कल्याण। लेकर प्रश्न यही शिव जी के पास आए, सुनकर प्रश्न ये भोले जी भी मन ही मन मुस्काए। बोले इस ब्रह्मांड का चक्कर तुम्हें लगाना होगा, उत्तम साबित करना हो तो पहले आना होगा। सुन के बात ये कार्तिक लेके मोर उड़ जाते हैं, फिर जाके गणपति जी अपनी बुद्धि लगाते हैं। मूषक से तो मोर का पीछा कभी किया ना जाए, मात पिता का चक्कर फिर गणपति जी ने लगाए। बुद्धि देख के शिव गौरा जी खुश हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम विघ्न विनाशक गणपति जी की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हे गणपति दयानिधान, करो सबका तुम कल्याण। हे गणपति दयानिधान, करो सबका तुम कल्याण। के जब कार्तिक आए तो देख के चकराए, कैसे हमसे पहले ये ब्रह्मांड को घुमाए। मात पिता के चरणों में होता है जग संसार, कार्तिक ने भी मान ली थी गणपति जी से हार। फिर भोले वरदान दिए तुम उत्तम कहलाओगे, सब देवों में सबसे पहले पूजे तुम जाओगे। सब देवों ने मिलकर की गणपति की जय जयकार, इसीलिए तो इनको पहले पूजता है संसार। भक्तों के दुख पीड़ा को ये मिटाने आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम विघ्न विनाशक गणपति जी की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हे गणपति दयानिधान, करो सबका तुम कल्याण। हे गणपति दयानिधान, करो सबका तुम कल्याण।
शक ही लंबोदर गजानन वंद्य गणपति विघ्न विनाशक हे लंबोदर गजानन वंद्य गणपति विघ्न विनाशक हे लंबोदर गजानन सिद्धि के दाता तुम हो हे शशि शेखर नंदना वंद्य गणपति विघ्न विनाशक ही लंबोदर गजानन वंद्य गणपति विघ्न विनाशक गणपति विघ्न विनाशक हे लंबोदर गजानना वंदे